नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं श्री क्लॉथ मार्केट गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मंगल मिश्र। मंगल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत, प्रणाम करता हूं आपको। डॉक्टर मिश्र ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 7 विषयों में पीजी की डिग्री ली हुई है, 5 बार वो पीएचडी कर चुके हैं और 1 बार डीलिट की उपाधि पा चुके हैं। प्रदेश में, जहां तक मेरी जानकारी, देश में भी उनसे ज्यादा डिग्री वाले शायद ही कोई लोग होंगे, लेकिन ये बड़े फख्र की बात है कि आज वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आप 1979 से लगातार विश्वविद्यालय की छाती पे मूंग डाल रहे हैं, एक छात्र बने जो अभी तक बने हुए हैं, कब छोड़ेंगे आप विश्वविद्यालय? एक विद्यार्थी अपनी माँ की छाती पर कभी मूंग नहीं डालता, वो माँ का स्तन का अमृत रूपी दुग्ध पान करता है और उससे पोषण प्राप्त करता है। मेरी इस विश्वविद्यालय रूपी अल्मा मीटर से, मातृ संस्था से यही प्रार्थना है कि मैं आजीवन उसके स्तन रूपी ज्ञान के केंद्र का, महासागर का कुछ अमृत पान करता रहूं और आजीवन विद्यार्थी बना रहूं। आमतौर पर ऐसे छात्र नेता होते हैं जो लगातार विद्यार्थी बने रहते हैं किसी न किसी बहाने और कॉलेज में नेतागिरी करते रहते हैं, आपको नेतागिरी की नहीं सूझी कभी? मैं आजन्म एक विद्यार्थी रहना चाहता हूं और मैं मानता हूं कि मृत्यु के दिन भी हम यह सीखते हैं कि मौत कैसे आती है। नेतागिरी करने का, जिसे वर्तमान भाषा में नेतागिरी शब्द के नाम से संबोधित किया जाता, ऐसा कोई शौक नहीं रहा, लेकिन विद्यार्थी जीवन में विभिन्न संगठनात्मक गतिविधियों में मैं जुड़ा रहा और आज भी प्रयत्न करता हूं कि विद्यार्थियों के या प्राध्यापकों के या वर्तमान में जो मेरे पास प्राचार्य का दायित्व है, उस समाज के लोगों के बीच को संगठित करने का काम करता रहूं, उनकी समस्याओं को सरकार तक, विश्वविद्यालय तक पहुंचाऊं और एक संवाद सेतु का निर्माण करने में अपनी मदद दे सकूं। मंगल जी, ये बताइए, मात्र 48 साल की उम्र में 1 डीलिट, 5 पीएचडी, 7 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स, अभी फिर आप 2 विषयों में पीएचडी के लिए प्रयत्नरत हैं। कौन कौन से विषयों में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया है और डीलिट किस विषय में की थी, पीएचडी किन विषयों में की? मैं मूलतः वाणिज्य का विद्यार्थी हूँ। मैंने बीकॉम की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एमकॉम किया था, उसके बाद एमए अर्थशास्त्र, एमए समाजशास्त्र, एमए राजनीति विज्ञान, एमए इतिहास, एमए लोक प्रशासन, एमबीए वित्त की परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की, इस प्रकार को और एमए लोक प्रशासन भी। इस प्रकार कुल 7 विषयों में स्नातकोत्तर विद्या मैंने प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उसके पश्चात मैंने वाणिज्य शास्त्र में पीएचडी की, फिर राजनीति विज्ञान में दूसरी पीएचडी, प्रबंध शास्त्र में तीसरी पीएचडी, इतिहास विषय में चौथी पीएचडी और अभी अभी समाजशास्त्र विषय में 5वीं बार पीएचडी की उपाधि अर्जित करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे पूर्व वर्ष 1998 में मैंने वाणिज्य विषय में डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। उस समय मेरा विषय अंतर अनुशासनात्मक, जिसे हम इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं, वो था, और वो था वैदिक भारत में वाणिज्य की अवधारणाएं और परंपराएं। मूल रूप से वाणिज्य का विद्यार्थी होने के बावजूद परिवार के संस्कारों के कारण, पूर्वजों के आशीर्वाद और प्रेरणा के कारण प्राच्य विद्या, इतिहास, संस्कृति, संस्कृत को जानने की बचपन से जिज्ञासा रही, इसलिए पहली पीएचडी भले ही वाणिज्य शास्त्र में थी, लेकिन उसके बाद की जो चारों पीएचडी है या डीलिट है, उसमें कहीं ना कहीं प्राचीन भारत से संबंधित इतिहास और संस्कृति का अध्ययन, अनुसंधान करने की प्रवृत्ति मेरे शोध कार्य में दिखाई देती है। ये बताइए, ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो शोध होते हैं उनका स्तर उचित नहीं होता, जो जिस स्तर के शोध होने चाहिए, क्या आपको लगता है कि ऐसा है? प्रत्येक देश के शोध करने के मापदंड अलग अलग प्रकार के होते हैं और प्रत्येक विषय के मापदंड अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हम भौतिक शास्त्र, प्राणी विज्ञान या रसायन शास्त्र में शोध करें तो उसका कार्यक्षेत्र किसी प्रयोगशाला तक सीमित हो सकता है, लेकिन मैं एक समाज विज्ञान का विद्यार्थी हूं तो पूरा समाज एक प्रकार से हमारी प्रयोगशाला होता है और उस समाज में रहते हुए हम छोटे छोटे प्रयोग करते हैं, लोगों के व्यवहार को देखते हैं, अपने अनुभवों से उसको एकीकृत करने की कोशिश करते हैं और तब निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। यह सत्य है कि विदेशों में इतिहास लेखन के, समाजशास्त्र लेखन के, शोध के मापदंड अलग अलग है, उस तुलना में हमारे देश के शोध ग्रंथ उतने स्तरीय नहीं माने जा सकते, लेकिन फिर भी शोध में हमारे देश में 2 चीजें जरूरी होती है। पहला यह कि या तो किसी नए तथ्य का पता लगाना या पहले से जो तथ्य प्राप्त हो, ज्ञात हो, उसे नए तरीके से प्रस्तुत करना। समाजशास्त्र के शोध कार्यों में, समाज विज्ञान के शोध कार्यों में ये द्वितीय प्रकार के जो शोध की प्रवृत्ति है ये थोड़ी सी अधिक है। जब ये प्रथम प्रकार के शोध में परिवर्तित होगी, केंद्रित होगी, उस ओर उन्मुख होगी, तो हमारे शोध कार्यों की गुणवत्ता निश्चित रूप से ज्यादा बढ़ेगी।
ये बताइए मंगल जी, जी ये कहा जाता है कि जब से इंटरनेट आया है शोधार्थियों को बहुत राहत हो गई। जी बिल्कुल सत्य है, यह राहत का संकेत भी है और एक प्रकार की आफत का संकेत भी, जिसे हम इंटरनेट की भाषा में कट कॉपी और पेस्ट कहते हैं, वो प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है। सूचनाओं का संकलन बड़ी तेजी से हो जाता है और उन्हें कट कॉपी पेस्ट करके शोध पत्र या शोध ग्रंथ भी तैयार कर लिए जाते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, रियलाइजेशन इज नॉलेज। इंफॉर्मेशन तो माउस की एक क्लिक पर उपलब्ध हो सकता है, लेकिन जब तक उसे व्यक्तिगत अनुभव से एकाकार नहीं किया जाएगा, उसे सर्वेक्षण के साथ समन्वित नहीं किया जाएगा, तब तक वो शोध का वास्तविक रूप नहीं ले सकेगा। बढ़िया बात आपने कही है कि अब सूचनाओं का संग्रहण शोध नहीं है। जी आपको कुछ साक्षात्कार हुए आपके शोध के बारे में? विभिन्न प्राच्य विद्या के विशेषज्ञ विद्वानों से मैंने साक्षात्कार करने का प्रयत्न किया और बहुत सी ऐसी बातें मुझे पता चली जिनके बारे में अभी तक मैं सर्वथा अनभिज्ञ था। जैसे हमें यह मालूम नहीं था कि ओजोन की जो खोज है वो वास्तव में भारत में हुई थी, उसे प्राच्य भारतीय शास्त्रों में उल्ब के नाम से संबोधित किया गया है। गुरुत्वाकर्षण जैसी चीज की खोज भारतीय वैज्ञानिकों ने की थी अत्यंत प्राचीन समय में, जिस समय न्यूटन का कोई अता पता नहीं था। आकृष्ट शक्तिश्च मही यथा तत्, पृथ्वी में वो आकर्षण शक्ति होती है, खस्थम गुरुम स्वाभिमुखम स्वशक्तिया, कि वो आकाश में स्थित वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेती है। पांचवी शताब्दी में आर्यभट्ट ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति की परिभाषा दी थी, उसी का दूसरा रूप हमें पाश्चात्य विज्ञान के वैज्ञानिकों की परिभाषाओं में मिलता है। आइंस्टीन को जिस चीज के लिए सारी दुनिया में सम्मानित किया जाता है, उन्होंने एक बात कही थी कि आउट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस कैन नॉट कम अप एंड एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू नॉन एग्जिस्टेंस। ये बात भगवत गीता के आधे श्लोक में है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। बात केवल उस चीज को नए दृष्टिकोण से देखने की है। यदि हम देखेंगे तो हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसी बहुत सी जानकारियां मिल जाएगी जिन्हें पश्चिमी वैज्ञानिकों ने नए रूप में प्रस्तुत हमारे सामने किया है और इस आधार पर वो अपने शोध को उच्च स्तरीय बताते हैं। इतने काम आप करते हैं, प्राचार्य हैं वो भी गर्ल्स कॉलेज में, फिर आप इतनी घर परिवार आपका भी है ही, इसके अलावा फिर भी आपको पीएचडी के लिए इतने शोध के लिए समय नहीं मिल जाता, कैसे निकालते हैं आप समय? ये मेरी ग्रह लक्ष्मी डॉक्टर छाया मिश्र की ऐसी अनुकंपा है कि वो मुझे बहुत सारे ग्रह कार्यों से मुक्त रखती है। अपना बेटा अथर्व और बेटी अनन्या का बहुत सहयोग मुझे प्राप्त होता है और भगवत गीता की एक पंक्ति मुझे हमेशा प्रेरणा देती है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जब सब लोग आराम कर रहे हो, सब लोग राग रंग में मनोरंजन में डूबे हो, दोस्त यार और मौज मस्ती में डूबे हो, तब स्वाध्याय करना चाहिए और स्वाध्यायन मा प्रवदा, स्वाध्याय करने में कोई आलस्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करते करते नए नए रहस्य उद्घाटित होते हैं और मन को एक असीम आनंद की प्राप्ति। यानी आप रात सारे आप पढ़ाई अध्ययन का कार्य करते हैं? पूरी रात अध्ययन तो नहीं करता है, लेकिन यथासंभव अध्ययन करने की कोशिश करता हूँ और जानना चाहता हूँ कि और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके माध्यम से हम समाज को कोई नया संदेश दे सकते हैं या ये बता सकते हैं कि हमारे देश किसी भी मामले में अन्य देशों से कमजोर नहीं है, हमारे सनातन राष्ट्र की गौरवशाली परंपरा है और हमें अपने स्वाभिमान को जागृत करने के लिए उन परंपराओं पर गर्व करना चाहिए। आपके मार्गदर्शन में 13 विद्यार्थी पीएचडी की डिग्री पा चुके हैं जी, और फिर भी आप अभी भी लगे हैं पीएचडी की लाइन में दूसरे गुरुओं के साथ? जी विश्वविद्यालयों का एक नियम है कि यदि आप स्वयं पीएचडी कर रहे हो तो अन्य विद्यार्थियों का पीएचडी नहीं करा सकते। तो जब तक मैं खुद पीएचडी नहीं कर रहा था तब तक मैंने अन्य विद्यार्थियों को पीएचडी कराई। जब से मैं स्वयं पीएचडी कर रहा हूं तब से मैं अन्य विद्यार्थियों को पीएचडी हेतु मार्गदर्शन नहीं दे रहा हूं, लेकिन स्वयं अध्ययन करने से प्रकाश जी मेरा निवेदन यह है कि एक विनम्रता का भाव बना रहता है। बिना डिग्री प्राप्त करने का प्रयत्न किए हुए भी, बिना उस समय सारिणी में बंधे हुए भी हम अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन निश्चित समय सारिणी होने से, सामने एक लक्ष्य होने से हमारा अध्ययन स्वतः अनुशासित हो जाता है और यह तय होता है कि हमें 18 महीने या 24 महीने में अपनी थीसिस जमा करना है, तो हम उस समय सीमा में बंध कर कार्य करते हैं। उससे स्वयं को अनुशासित रखने में बड़ी मदद मिलती है और मैं हमेशा विद्यार्थी रहूंगा तो अपने से जो वरिष्ठ गुरु हैं आचार्य हैं उनके चरणों की सेवा करना, उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करना मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। आप एक गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य हैं और हमने सुना है कि आप वहां बहुत लोकप्रिय हैं, क्या फार्मूले हैं छात्राओं में इतनी लोकप्रिय होने के? कन्या महाविद्यालयों में अनुशासन की समस्याएं कम होती है, मनोवैज्ञानिक समस्याएं अधिक होती है। मेरे महाविद्यालय में क्लास मार्केट कन्या वाणिज्य महाविद्यालय में लगभग 1500 बच्चियां पढ़ती है,
अधिकांश बच्चियां मुझे पापा पापा कहकर ही पुकारती हैं, क्योंकि मेरी श्रीमती भी उसी महाविद्यालय में कार्यरत रही हैं, उन्हें वो बच्चियां माँ कहती थी। तो एक माता और पिता के भाव के साथ में बच्चियों के बीच में कार्य करने का जो आनंद है वो मैं अनुभव कर सकता हूँ। इसलिए ऐसा लगता है कि बच्चे बहुत सी बातें जो कार्यालय में कर्मचारियों से नहीं कह पाते, अपने क्लास टीचर से, अपने विषय अध्यापकों से नहीं कह पाते, वो सीधे आकर मुझे बताते हैं कि सर उस कक्षा में या उस विषय में समस्या है, और मैं प्रयत्न करता हूँ कि उसे यथाशीघ्र हल कर सकूं। इस स्वभाव की वजह से, इस प्रवृत्ति की वजह से मुझे छात्राओं के निकट जाने में मदद मिलती है और उनके मनोभाव को ताड़ने में और उनकी समस्याओं का हल करने में मुझे योगदान प्राप्त होता है। आपकी श्रीमती जी भी उसी कॉलेज में पढ़ाती हैं, तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता घर में भी साम्राज्य उनका और कॉलेज में भी साम्राज्य उनका? अब वो अन्य महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में चली गई है, इलवा महाविद्यालय में वो प्राचार्य के रूप में कार्यरत है, लेकिन जब तक वो मेरे महाविद्यालय में रही वो छात्राओं और मेरे बीच में एक संवाद सेतु का काम करती रही, और उस अलौकिक या विलक्षण संवाद सेतु की वजह से छात्राओं से मेरी कभी कोई दूरी नहीं बन पाई। उनकी वजह से मुझे अनुशासन बनाए रखने में भी बहुत मदद प्राप्त हुई, और उन्होंने कॉलेज में इतनी सारी नवोन्मेषी गतिविधियां आयोजित की थी कि स्वयं राष्ट्रपति माननीय महामहिम डॉक्टर प्रतिभा जी पाटिल ने उन्हें प्रशंसा पत्र दिया था, कलेक्टर महोदय ने, संभागायुक्त महोदय ने विशेष पुरस्कार देकर डॉक्टर छाया मिश्र को सम्मानित भी किया था। इस वजह से प्रबंधक वर्ग को UGC से अलग से 2 लाख रुपए का अनुदान भी प्राप्त हुआ कि ये गतिविधियां जारी रखी जाए। किस तरह की गतिविधियां थी और वे अभी भी चल रही है क्या आपके कॉलेज में? गत 2 वर्ष से जब से वह अन्य महाविद्यालय में कार्यरत है, उन गतिविधियों की रफ्तार थोड़ी सी मंद जरूर पड़ी है, लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने महाविद्यालय में कन्या भ्रूण हत्या विरोधी एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया था। चौराहों पर जाकर उन्होंने मकर संक्रांति के दिन कन्या भ्रूण हत्या को रोको और कन्या को बचाओ ऐसी पतंग वितरित की। उन्होंने मकर संक्रांति के साथ साथ यातायात सुरक्षा सप्ताह को जोड़ा और ठीक तरीके से गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग बच्चों को दिलाई, बाहर से कंपनियों को बुलवाया और गाड़ी सुधारना, पहिया बदलना, घर में बिजली का स्विच सुधारना, फ्यूज चेंज करना, ये बच्चों को सिखाया। उन्होंने बच्चियों को लठ चलाना भी सिखाया, आत्मरक्षा के उपाय भी सिखाए। पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्होंने छात्राओं को प्रेरित किया, हर छात्रा के घर से पुराने ग्रीटिंग कार्ड इकट्ठे किए, उनको अनाथालय में दिया ताकि वो रिसाइकल किए जा सके। बच्चियों के घर से टाट पट्टियां इकट्ठी की और वो आसपास के सरकारी विद्यालय में बच्चों को दी। तो ऐसा करके समाज से, संस्कार से, संस्कृति से और देश की आवश्यकताओं से बच्चों को जोड़ा। यही नहीं, लघु उद्योग सेवा संस्थान, पीथमपुर औद्योगिक संगठन या सेडमेप के माध्यम से कॉलेज में बहुत सी छोटी छोटी रोजगार उन्मुख प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं उन्होंने आयोजित करवाई। उस वजह से कॉलेज की बहुत सी छात्राएं स्वरोजगार के लिए प्रेरित हो गई और उनको उसमें लाभ हुआ। इससे निश्चित रूप से छात्राएं लाभान्वित हुई हैं। अब आप किस विषय में डीलिट करना चाहते हैं? प्रकाश जी, ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी 5 विषयों में PhD उपाधि मैंने प्राप्त की है। 2 विषय और शेष है, एक अर्थशास्त्र और एक लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन में देवेला विश्वविद्यालय इंदौर में PhD नहीं होती, अभी तक की मेरी सारी उपाधियां इसी विश्वविद्यालय की है। अर्थशास्त्र विषय बचा है, लेकिन अर्थशास्त्र में PhD उपाधि में प्राप्त करने का प्रयत्न करूं उसके पहले यहाँ PhD से संबंधित कुछ नए नियम आने वाले हैं, उन नियमों का मैं अवलोकन करूंगा और तदनुसार प्रयत्न करूंगा कि उस दिशा में भी शोध कार्य कर सकूं। क्या ऐसा नहीं है कि भारत में PhD करना आसान है? ये शोधार्थी पर निर्भर करता है, यदि वो संपूर्ण समर्पण भाव से कार्य करता है तो PhD करना आसान है। मैं स्वयं अनेक विश्वविद्यालयों की PhD का परीक्षक रहा हूं और मैंने स्वयं अनेक PhD उपाध्याय जो उनकी थीसिस जांचने के लिए आई थी उन्हें रिजेक्ट किया है, उन्हें अमान्य किया है। तो यदि कट कॉपी व्यस्त वाला सूत्र किसी ने अपनाने की कोशिश की और परीक्षक उसकी जानकारी रखने वाला हुआ तो गूगल पर वो डालते से ही सारी जानकारी सामने आ जाती है और चोरी पकड़ में आ जाती है। तो यदि हम परिश्रम के साथ में कार्य करें तो हर कार्य आसान है, लेकिन हम चोरी की प्रवृत्ति से, जिसको हम साहित्यिक चोरी कहते हैं, उस प्रवृत्ति से कार्य करें तो पकड़े जाने का भी भय है और काम करना भी कठिन है। जापान जैसे देश में ये नियम बन गए हैं कि जितने शोध हैं वो लोकोपयोगी कार्य के ही शोध हो सकेंगे। अधिकांश शोध वहां ऐसे हैं कि उसका उपयोग दैनंदिन जीवन में होना चाहिए। हमारे बहुत से शोध ऐसे हैं जो केवल किताब में है और लाइब्रेरी में पड़े रहते हैं, ऐसा क्यों? UGC ने PhD से संबंधित अभी जो नई गाइडलाइन तैयार की है उसमें सिनॉप्सिस जमा कराते समय शोधार्थी को यह लिखना होगा कि इस शोध कार्य की सामाजिक उपयोगिता क्या है।
उस उपयोगिता के आधार पर उसका शोध का शीर्षक मान्य किया जा सकेगा। अभी तक निश्चित रूप से कुछ ऐसे विषयों पर शोध कार्य हुए हैं जिनकी सामाजिक उपयोगिता नहीं है और वो केवल ग्रंथालयों की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूं कि यूजीसी की नई गाइडलाइन का पालन करने से जो नए शोध कार्य होंगे वो वास्तव में समाज उपयोगी, लोकोपयोगी होंगे और समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगे। भारत में शोध को आप कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 7। अच्छा शोध है भारत। हाँ, भारत की परिस्थितियों के अनुरूप या जिस प्रकार के संसाधन उपलब्ध है या जैसे शोध ग्रंथालय है, जैसी शोधार्थी को सुविधाएं मिलती है उसको देखते हुए मैं 10 में से 7 अंक देना चाहूंगा। सौभाग्य से मुझे अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों का शोध कार्य भी वर्ष 1991 में अमेरिका प्रवास के दौरान देखने को मिला है। हम निश्चित रूप से उनके बराबर नहीं है, लेकिन वहां की सामाजिक, आर्थिक और सूचनात्मक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। हम अमेरिकी कंप्यूटर की तुलना आज भी भारत में सर्वोत्तम उपलब्ध कंप्यूटर से नहीं कर सकते, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम किसी से कमजोर हैं। हम में असीम संभावनाओं के बीज छिपे हुए हैं, आवश्यकता तो केवल एक जाम्बवंत की है जो इस अनुमान को जगा सके। मंगल जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी शुभकामना है कि आपकी आगे की यात्राएं, शोध की यात्राएं, अध्ययन की यात्राएं जारी रहें। मुझे स्मरण है प्रकाश जी कि आपने किसी एक अन्य समाचार चैनल में जब मैंने दूसरी बार पीएचडी उपाधि प्राप्त की थी तो मुझे ये शुभकामनाएं दी थी कि आपको तीसरी मिले। आज सौभाग्य से मैं और आप फिर से 5वीं पीएचडी के बाद आमने सामने है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आशीर्वाद, आपके चैनल की सारी शुभकामनाएं मेरा, समाज का और राष्ट्र का व्यक्तित्व निर्माण करने में, प्रगति करने का पथ प्रशस्त करेगी। मैं आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।